चला गया। आज वो यदि समय पर ना आता तो हम में से कोई जीवित ना बचता। कौन था वो? क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? छोड़ो अच्छे सोमा, ज्वाला को तो हमने बचा ही लिया और गजनी जा रहे हैं सोने को भी। सोने को वापस ले जाना चाहिए। हमारे होते हुए आप सब ये खजाना चुरा कर नहीं ले जा सकते। हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद, लेकिन ये सोना लुटेरों से हमने छीना है और आप हमसे छीन रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको लुटेरा समझे, आप ये सोना हमें वापस देकर लौट जाइए। जाएंगे, अवश्य जाएंगे, परंतु ये सोना लेकर जाएंगे और ये कोष भरूच की धरोहर है और इसे आप जैसे लुटेरों में नहीं दे सकते। हम चोर तो फिर आप क्या हैं? और शायद इस भ्रम में भी हैं कि हम आपको ये सोना ले जाने देंगे। हम जो कोई भी हैं, परंतु आप लोगों की तरह सुनियोजित ढंग से डाके नहीं डालते। देखिए, आप हमें क्रोधित कर रहे हैं। बस कुछ और सुनना नहीं चाहते। अब स्त्री है इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखे हुए हैं। चली जाइए यहाँ से। देखिए, आपको आखिरी चेतावनी दे रहे हैं कि कोष हमें वापस देकर चले जाइए, अन्यथा हमें अपनी वस्तु अच्छी तरह लेना आता है। तो आइए, रोका किसने? कोश भी यही है और हम भी। एहसास तो छीन लीजिए। अगर आपकी यही इच्छा है तो फिर ठीक है। साथियों, आक्रमण! साइनोर भड़का, तुम उस सैनिक को देखो। आपकी ठीक करा जाए। हमारा सोना लूट लिया क्या? किसने लूटा हमारा सोना? महाराज, हम भरूच की सीमा से निकलने ही वाले थे कि अचानक कुछ लड़कियों का दल वहां आ गया। लड़कियों का दल? लड़कियां हमारा सोना लूट ले गई? हाँ, ये समाचार देते हो तुझे लज्जा भी नहीं आई? तो स्वयं को पुरुष कहते हो? तुम्हें तो शस्त्र उतार के चूड़िया पहन लेनी चाहिए। रुको भानु भाई, इसे पूरी बात बताने दो। हम सच कह रहे हैं महारानी। डरो मत, बताओ कौन थे वो लोग? महारानी, वो सब खुद को सोमसेना कहती थी। उनके दल में 10-15 लड़कियां थी। सबने अपने चेहरे छिपा रखे थे
हम उन्हें पकड़ने ही वाले थे, परंतु उसी समय एक सैनिक वहां आ गया और उसने उनकी सहायता की। हम किसी तरह अपने प्राण बचाकर वहां से भागे। ठीक है जाओ। मैंने कहा ना, जाओ यहां से। भानु भाई, मुझे तो बहुत भय लग रहा है। जो गजनवी को पता चलेगा कि सोना अभी तक नहीं पहुंचा, तो भानु सोचो वो हमारा क्या हाल करेगा। वो सब हम बाद में सोचेंगे। पहले हमें ये पता लगाना होगा कि भरूच में हमें चुनौती देने वाला कौन पैदा हो गया। अवश्य ही कोई असाधारण व्यक्ति होगा, क्योंकि भरूच के सारे अपराधी हमारे मित्र हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर कौन है उन लड़कियों की सहायता करने वाला? वो सैनिक था कौन? भानु भाई, मेरा मन आशंकाओं से भर उठा है। हे सोमनाथ, रक्षा करो। सोमनाथ, सोमसेना। हे सोमनाथ, हमारी रक्षा करो। धन्य हो सोमनाथ, आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भानु भाई, जिस सोम सेना की बात वो सैनिक कर रहा था, कहीं उसकी मुखिया वो शोभा तो नहीं? किंतु बहन, हम तुम्हें कितनी बार समझा चुके हैं, तुम महारानी हो, ये मूर्खता भरी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। भानु, हम जानते हैं तुम्हारे मस्तिष्क में हर समय शोभा ही घूमती रहती है। भानु भाई, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। केवल संयोग नहीं है, मैं उस शोभा को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अवश्य जीवित है और हमारे विरुद्ध उठ खड़े होने की तैयारी भी कर रही होगी। इंदु बहन, उसे यहाँ से गए 16 वर्ष बीत गए, और 16 वर्षों में तो लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं, उसे क्या याद होगा? नहीं भानु भाई, वो भूलने वालों में से नहीं है। और सोचो ना, इस सेना का नाम सोम सेना ही क्यों है? और ये भी तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि भगवान सोमनाथ का सर्वज्ञ प्रभु के बाद शोभा जैसा दूसरा कोई परम भक्त नहीं है। बात तो तुम ठीक कह रही हो। यदि तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है, तो हम इसी समय अपने पुत्र प्रचंडमान को सोम सेना के पीछे लगा देते। वाह भानु भाई, वाह। 16 वर्ष पहले इसी पत्नी और पुत्र को तुम अपने पास रखना नहीं चाह रहे थे, और आज तुम उसी पर निर्भर हो गए। इंदु बहन, वो तब की बात थी। उस समय हमने कहां सोचा था कि हमारा पुत्र बड़ा होकर हमसे भी आगे निकल जाएगा। आज वो हमसे 100 गुना अधिक चालाक और धूर्त है। और वो हमसे 100 गुना अधिक शक्तिशाली भी है। और 1000 गुना क्रूर है। शाबाश, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा।
हट जाओ, इसके लिए हम अकेले ही काफी हैं। समझा, आप लोग लुटेरे नहीं, अपहरणकर्ता भी हैं। देखो, ना हम लुटेरे हैं ना अपहरणकर्ता। वो सैनिक आज रात तक अपने पत्नी और अपने पति के साथ होगा। साधारण सैनिक नहीं है, वीर योद्धा है। इसे हराने के लिए हमें कुछ दूसरा उपाय करना होगा। मम्मी, की कह रही हो? हम इसे इतनी आसानी से परिचित नहीं कर सकते। वापा, सोचो। देखा, वो निकला है ना। शस्त्र चलाना कन्याओं के वश की बात नहीं। युद्ध भूमि में शस्त्र जिसके हाथ में होता है परोसा होता है। कोश यहां से ले जाकर तो दिखाओ। योद्धा का पहला लक्ष्य होता है और योद्धा केवल पुरुष ही नहीं होता। अब समझे आप? क्षणिक विजय के लिए कायर छल का प्रयोग करते हैं। युद्ध भूमि में कायर पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। आमने सामने वार करकर यूं बंदी बनाकर नहीं जाते। संभवतः आप ये नहीं जानती कि आपने किसे बंदी बनाया है। दंड आपको जरूर। आप जो भी, हमने आपको बंदी इसीलिए बनाया है क्योंकि आप हमारे उद्देश्य में हस्तक्षेप कर रहे थे और जीवित इसीलिए छोड़ दिया है क्योंकि हमारे आपसे कोई निजी शत्रुता नहीं है। आप जानती भी हैं आप किससे शत्रुता मोल ले रही है। पता ही, हमें कोई अन्य नहीं पता। हम देव पट्टन के शाबाश, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। हमारे भरूच के वीर सैनिकों, भरूच के युवराज अपने ननिहाल से वापस आ चुके हैं।
और उनसे भेंट करने का आपको इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। सावधान सावधान सावधान, क्रूर। अन्यायी, अत्याचारी, अहंकारी, उद्दंड, भरूच के युवराज प्रचंड मान पधार रहे हैं। तुम सब उस वीरदल के सैनिक हो जिसने हमारा सोना ले जाने में ऐसी वीरता दिखाई। साधारण कन्याओं के हाथों भरूच का सारा सोना लुटवा कर आ गए। और साहस तो देखो, ये समाचार देने के लिए हमारे पास जीवित भी वापस आ गए। साक्ष्य की आवश्यकता है। सोम सेना के बारे में हमें बताओ अन्यथा। बताओ मुझे। युवराज जी, झुमका ये वहां पर किसी लड़की का मिला था। शाबाश, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। तुमने इसे क्यों मार दिया? जिसके कारण इस सैनिक को अपने प्राण गंवाने पड़े, तो इसे तो दंड मिलना ही चाहिए था बापूश्री। ये झुमका अब हमें सोमसेना तक पहुंचाएगा बहुत जल्द।